अवनीश ट्यूटोरियल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है बाल मनोविज्ञान में CDP को जो है उसकी श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और वैसे आपको बताएंगे धीरे धीरे CDP मीन्स बाल मनोविज्ञान लगभग कंप्लीट होने को है, दो चार वीडियो और होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जो है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना ना भूलें, और ये चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कम्पिटिटिव एग्जाम या एकेडमिक एग्जाम से रिलेटेड सभी जानकारियां आपको मिलती रहें, आपको सहयोग भी मिलता रहे। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हम लोग स्टार्ट करते हैं। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ठीक है। प्रबंधन का अर्थ है, तो प्रबंधन का क्या अर्थ है? व्यक्तियों से कार्य कराने की शैली। प्रबंधन का क्या अर्थ है? व्यक्तियों से कार्य कराने की शैली। देखिए, बहुत सिंपल है, प्रबंधन का अंग्रेजी है तो मैनेजमेंट, ठीक है। प्रबंधन की इंग्लिश क्या है? मैनेजमेंट। नेक्स्ट है शिक्षा प्रबंधन है, तो शिक्षा प्रबंधन एक विशेष प्रक्रिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, शैक्षिक प्रबंधन आवश्यक है, तो शैक्षिक प्रबंधन क्यों आवश्यक है? विद्यालय संस्था के संचालन में, ठीक है, विद्यालय संस्था के संचालन में। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा प्रबंधन का उद्देश्य था, तो स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा प्रबंधन का क्या उद्देश्य था? सीमित ज्ञान, जिसे अंग्रेजी शासन में क्लर्क बन सके, मीन्स आज़ादी से पूर्व, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का जो शासन था तो उतनी ही शिक्षा देते थे कि जिससे आप केवल क्लर्कियल जॉब तक ही रह जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा को जीवन से जोड़ने का प्रयास किया गया, तो शिक्षा से जीवन से जोड़ने का प्रयास कब किया गया? स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुकूल वातावरण मिलता है, तो विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुकूल वातावरण कहाँ मिलता है? शैक्षिक प्रबंधन से, ठीक है। नेक्स्ट है, भौतिक एवं मानवीय संसाधन का उचित प्रबंधन है, तो भौतिक एवं मानवीय संसाधन का उचित प्रबंधन क्या है? विद्यालय प्रबंधन, ठीक है। आगे देखते हैं, विद्यालय में शिक्षक, प्रधानाचार्य, विद्यार्थी एवं अन्य कर्मचारी हैं, मानवीय संसाधन, ठीक है। विद्यालय में जो शिक्षक होता है या प्रधानाचार्य या विद्यार्थी या कर्मचारी, सब किसके तहत आते हैं? मानवीय संसाधन के तहत। नेक्स्ट है, विद्यालय में कक्षा, फर्नीचर, खेलकूद का सामान, ये सब किस में आते हैं? भौतिक संसाधन, ठीक है ना। विद्यालय में कक्षा, फर्नीचर, खेलकूद का सामान, ये सब भौतिक संसाधन के तहत आते हैं। एक और है, स्वच्छ विद्यालय, शुद्ध जल एवं शौचालय है, तो स्वच्छ विद्यालय, शुद्ध जल एवं शौचालय भी भौतिक संसाधन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय शिक्षा संचालन हेतु प्रमुख प्रबंधन है, तो विद्यालय शिक्षा संचालन हेतु प्रमुख प्रबंधन क्या है? वित्तीय प्रबंधन। नेक्स्ट है, वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता के क्षेत्र हैं, तो वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता के कुल तीन क्षेत्र हैं। पहला है सामान्य शिक्षा सेवा के संचालन हेतु, दूसरा है शिक्षा सुविधाओं के विस्तार हेतु, तीसरा है शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु, ठीक है। तो वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता के तीन क्षेत्र हैं, सामान्य शिक्षा सेवा के संचालन हेतु, और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार हेतु, शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु। नेक्स्ट है, शिक्षा के वित्तीय प्रबंधन के स्रोत हैं, तो शिक्षा के वित्तीय प्रबंधन के स्रोत कितने हैं? देखिए, पांच हैं। जो वित्तीय प्रबंधन होता है शिक्षा का, वो जैसे भूमि अनुदान, समाज द्वारा अनुदान, छात्रों की फीस द्वारा, राज्यों की अनुदान द्वारा और समाजसेवी संस्थाओं
द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, तो समाज सेवी संस्था में विश्व बैंक यूनेस्को है, ठीक है, विश्व बैंक यूनेस्को। आगे देखते हैं, विद्यालय बजट का प्रबंधन करता है, तो विद्यालय बजट का प्रबंधन कौन करता है, प्रधानाध्यापक, ठीक है, प्रधानाध्यापक ही विद्यालय बजट का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट है, शिक्षण कार्य उद्देश्य विहीन है, तो शिक्षण कार्य उद्देश्य विहीन कब होगा, पाठ्यक्रम के अभाव में, अगर पाठ्यक्रम का अभाव रहेगा तो शिक्षण कार्य निश्चित ही है कि उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पाठ्यक्रम होना चाहिए तो रुचिकर एवं उपयोगी, अगर पाठ्यक्रम रुचिकर एवं उपयोगी है तो बच्चों का पढ़ने में भी मन लगेगा और अग्रसर वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम को नियोजित करना, विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम को नियोजित करना क्या है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, ठीक है ना, विषय को जब आधार मानकर पाठ्यक्रम केंद्रित किया जाए, नियोजित किया जाता है, तो उसे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। नेक्स्ट है, अगर यही व्यवस्था बालक को केंद्रित कर पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में, ठीक है ना, बालक को केंद्रित कर पाठ्यक्रम बनाया जाता है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया आधारित पाठ्यक्रम है, तो क्रिया पाठ्यक्रम में, ठीक है, क्रिया आधारित पाठ्यक्रम है, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को कहा जाता है अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम, ठीक है, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को क्या कहा जाता है, अनुभव प्रधान पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है, छात्रों के सामान्य विकास पर केंद्रित होता है, तो छात्रों के सामान्य विकास पर केंद्रित होता है कोर पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है, शैक्षिक मानसिक तथा ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, तो शैक्षिक मानसिक तथा ज्ञानात्मक पक्ष का विकास पाठ्यक्रम संबंधी पाठ्यक्रम में, कार्यक्रम में, ठीक है ना, पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम में जो है शैक्षिक मानसिक तथा ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए भाई आपको एक चीज बताते चले कि CDP जो है ये CTET, TET, सुपर TET या DLED कर रहे छात्र सभी के लिए एक ही होती है, और इसकी संपूर्ण वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, माने टोटल जितना पाठ्यक्रम है उसको कवर करने का पूरा प्रयास किया गया है, मीन्स इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, पॉइंट है, उनको एक ढंग से समायोजित किया गया है। अब बस आप इतना ही रीड कर लें बहुत है, और अगर सभी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिंक जो है प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं, वहाँ से भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक। तो चैनल को या सब्सक्राइब न किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे देखते हैं, बालक का बहुमुखी विकास होता है, तो बालक का बहुमुखी विकास जो है पाठ्य सहगामी कार्यक्रम से होता है, किसे, पाठ्य सहगामी कार्यक्रम से। नेक्स्ट है, शारीरिक मानसिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक विकास होता है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं से, ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से किनका विकास होता है, शारीरिक मानसिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक का विकास होता है। नेक्स्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, विद्यालय में खेलकूद, NCC, NSS, स्काउटिंग गाइडिंग के आयोजन आवश्यक हैं, किस लिए, शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास के लिए, ठीक है ना, विद्यालय में खेलकूद, NCC, NSS, स्काउटिंग गाइडिंग के आयोजन क्यों आवश्यक है, शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास के लिए। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक कार्यक्रम राष्ट्रीय पर विद्यालय दिवस से विकसित होता है, किसका होता है, इन सबसे बच्चों के अंदर भावात्मक पक्ष का विकास होता है। चलिए, विद्यालय में नियमों के अनुरूप आचरण करना है, अनुशासन, अनुशासन क्या है, विद्यालय में नियमों के अनुरूप आचरण करना अनुशासन,
एक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीटेट में पूछा गया है, अनुशासन है, तो अनुशासन सांस्कृतिक प्रणाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रबंधन में अनुशासन का महत्व है, तो शैक्षिक प्रबंधन में अनुशासन का महत्व यह है कि चरित्र निर्माण तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए, ठीक है ना, इसे बच्चे चरित्रवान होते हैं और उनको अपना अहम दिखता है, वो है अनुशासन और शैक्षिक प्रबंधन का महत्व। नेक्स्ट है बालक के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व होता है, तो बालक के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व किसका होता है, विद्यालय का। चलिए आगे देखते हैं, विशेष वातावरण सृजन आवश्यक है सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है ना, विशेष वातावरण सृजन आवश्यक है किसके लिए, सर्वांगीण विकास के लिए। नेक्स्ट है विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण हैं, तो विद्यालय में अनुशासनहीनता के क्या कारण हो सकते, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, यदि विद्यालय में दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति है तो उस विद्यालय में अनुशासनहीनता होगी निश्चित। नेक्स्ट है विद्यालय में आदर्शों के अभाव से उत्पन्न होता है, तो जिस विद्यालय में आदर्श नहीं होगा वहाँ अनुशासनहीनता ही उत्पन्न होगी, विद्यालय में आदर्शों के अभाव से क्या उत्पन्न होता है, अनुशासनहीनता। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन में पर्यवेक्षण की प्रकृति है विस्तृत एवं गहन, विस्तृत एवं गहन, विद्यालय प्रबंधन में पर्यवेक्षण की प्रकृति क्या है, विस्तृत एवं गहन है। अगला है वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षण है, तो वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षण जो होता है ये पक्षपात रहित होता है, ठीक है। अगला है परिवार के बाद बालक के स्वास्थ्य की देखभाल करता है, तो परिवार के बाद बालक के स्वास्थ्य की देखभाल कौन करता है, विद्यालय स्वास्थ्य प्रबंधन, ठीक है। आप जानते भी होंगे विद्यालय में भी जैसे रोगाणुओं विषाणुओं के टीके लगाए जाते हैं, सबकी जिम्मेदारी होती है, तरह तरह की बातें होती हैं। चलिए विद्यालय में शिक्षार्थियों की कठिनाई का निवारण होता है, तो शिक्षार्थी कर्मचारी सेवा प्रबंधक द्वारा, विद्यालय में शिक्षार्थियों की कठिनाई का निवारण कैसे होता है, शिक्षार्थी कर्मचारी सेवा प्रबंधन द्वारा, वैसे या प्रबंधक द्वारा। अगला है शैक्षिक प्रशासन का अभिप्राय है शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था, शैक्षिक प्रशासन से क्या तात्पर्य है, शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था से। अगला है शिक्षालय से संबंधित आंतरिक एवं वह व्यवस्थाओं का समग्र, तो यहाँ वह लिखा वाह होगा, ठीक है ना, ये वह नहीं वाह, शिक्षालय से संबंधित आंतरिक एवं वाह व्यवस्थाओं का समाकेतिक रूप है क्या, शैक्षिक प्रशासन, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, शैक्षिक प्रशासन सेवा करने वाली ऐसी गतिविधि है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्यों की जानकारी ढंग से प्राप्त किया जाता है, ये किसका कथन है, रफलर महोदय का, रफलर महोदय, ठीक है ना। शैक्षिक प्रशासन सेवा करने वाली ऐसी गतिविधि है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्यों की जानकारी ढंग से प्राप्त किया जाता है, ये रफलर महोदय का कथन है। अगला है शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप होना चाहिए, तो शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप गत्यात्मक एवं नवीन होना चाहिए, ठीक है ना। शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, गत्यात्मक एवं नवीन। नेक्स्ट है शिक्षकों एवं छात्रों के मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है शैक्षिक प्रशासन, शिक्षकों एवं छात्रों के मार्गदर्शन के लिए क्या आवश्यक है, शैक्षिक प्रशासन। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन रोकता है, तो शिक्षा में व्याप्त अपव्यय को, शैक्षिक प्रशासन की ये भी जिम्मेदारी है, तो शिक्षा में व्याप्त अपव्यय को भी रोकता है। अगला है शैक्षिक प्रशासन के स्वरूप हैं, तो शैक्षिक प्रशासन के दो स्वरूप हैं, एक है केंद्रित स्वरूप और दूसरा है विकेंद्रित स्वरूप,
ठीक है ना। शैक्षिक प्रशासन के कितने स्वरूप हैं? दो स्वरूप हैं, केंद्रित स्वरूप, विकेंद्रित स्वरूप। नेक्स्ट देखते हैं, स्थानीय प्रशासन का महत्व ना होकर राज्य सत्ता ही शिक्षा पर हावी होती है। तो स्थानीय प्रशासन का महत्व ना होकर राज्य सत्ता ही शिक्षा पर हावी होती है, ये प्रशासन के केंद्रीय करण में, प्रशासन के केंद्रीय करण में, ठीक है ना। अगला बड़ा इम्पोर्टेंट है, शिक्षा के केंद्रीकरण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो रूस में, ठीक है ना। शिक्षा के केंद्रीकरण की शुरुआत कहाँ हुई सर्वप्रथम? रूस में। नेक्स्ट है, प्रशासन की केंद्रीय पद्धति का दोष है, तो प्रशासन की केंद्रीय पद्धति का दोष है लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अवहेलना, ठीक है ना। लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अवहेलना जो है वो प्रशासन की केंद्रीय पद्धति का दोष। चलिए आगे देखते हैं, शैक्षिक प्रशासन के विकेंद्रित स्वरूप की अवधारणा का विकास हुआ। तो शैक्षिक प्रशासन के विकेंद्रित स्वरूप की अवधारणा का विकास कहाँ से हुआ है? ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है ना। सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है शैक्षिक प्रशासन के विकेंद्रित स्वरूप की अवधारणा का विकास हुआ। चलिए आगे देखते हैं, वर्तमान में भारत में शिक्षा प्रशासन पद्धति प्रचलित है। तो वर्तमान में जो भारत में शिक्षा प्रशासन की पद्धति है वो विकेंद्रित पद्धति प्रचलित है। कौन सी? विकेंद्रित पद्धति। चलिए अगला देखते हैं, सब बड़े इंपॉर्टेंट है, भारत में विकेंद्रित पद्धति देन है। तो जो भारत में शिक्षा प्रशासन की विकेंद्रित पद्धति है वो ब्रिटेन की देन है। किसकी देन है? ब्रिटेन की, ठीक है ना। अगला देखते हैं, शिक्षा प्रशासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत का पालन होता है। तो इसमें विकेंद्रित पद्धति में शिक्षा प्रशासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत का पालन कहाँ होता है? विकेंद्रित पद्धति में। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रशासन का संविधान किस अनुसूची में वर्णित है? तो शैक्षिक प्रशासन का संविधान जो है वो संविधान की सातवीं अनुसूची में वर्णित है, ठीक है ना। संविधान की सातवीं अनुसूची में शैक्षिक प्रशासन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, सातवीं अनुसूची में सूचियां हैं। तो सातवीं अनुसूची में कुल तीन सूचियां बनाई गई हैं, पहली संघीय सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची, ठीक है ना। कौन कौन सी? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। नेक्स्ट है, भारत में शैक्षिक प्रशासन अनुगमन करता है संविधान व्यवस्था का। भारत में शैक्षिक प्रशासन जो है वो संवैधानिक व्यवस्था का अनुगमन करता है। नेक्स्ट है, संविधान में शिक्षा रखा गया है तो समवर्ती सूची में। जैसे यहाँ प्रश्न ये भी बन सकता है कि संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो तीसरी सूची, ठीक है ना। सातवीं अनुसूची और तीसरी सूची, उसका नाम है समवर्ती सूची। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा सम्मिलित है। तो प्राथमिक शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सम्मिलित है, ठीक है ना। किसमें है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय में। चलिए आगे देखते हैं, राज्य सरकार शिक्षा पर खर्च करती है। तो राज्य सरकार शिक्षा पर कितना खर्च करती है? 15-20%। इसके अलावा आप जानते रहिए कि जो कुछ शिक्षा पर वहन होता है वो सब केंद्र सरकार का होता है, ठीक है। केवल 15-20% की भागीदारी जो है शिक्षा पर राज्य सरकार की होती है, शेष जो है वो केंद्र करता है। अगला है, शैक्षिक प्रशासन संबंधित है। तो शैक्षिक प्रशासन किससे संबंधित है? विद्यालय प्रबंधन से, ठीक है ना, विद्यालय प्रबंधन से। अगला है, संगठन की व्यवस्था के सिद्धांत के प्रणेता थे। तो रॉबर्ट प्रेस्थस, याद रखिएगा, संगठन की व्यवस्था के सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? रॉबर्ट प्रेस्थस। अगला है,
भारत में स्वतंत्र रूप से शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। तो भारत में स्वतंत्र रूप से शिक्षा विभाग की स्थापना 1945 में हुई। कब हुई? 1945। अगला है राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास दायित्व है। तो हिंदी का विकास जो है वो केंद्र सरकार का दायित्व है। राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास जो है किसका दायित्व है? केंद्र सरकार का। अगला है निरीक्षण में सुधार लाने की प्रक्रिया है। तो निरीक्षण में सुधार लाने की प्रक्रिया को पर्यवेक्षण कहते हैं। ठीक है, पर्यवेक्षण क्या है? निरीक्षण में सुधार लाने की प्रक्रिया है। अगला है पर्यवेक्षक को कार्य करना चाहिए। तो कभी भी पर्यवेक्षक को मित्र के रूप में कार्य करना चाहिए। ठीक है, अगर वो पर्यवेक्षण कर रहा है तो मित्र के रूप में वो कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण का कार्य होता है। तो पर्यवेक्षण का कार्य प्रधानाचार्य द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्रधानाचार्य द्वारा। अगला है पर्यवेक्षण एक प्रकार से शैक्षणिक विकास का मूल आधार है। ये किसका कथन है? कोठारी आयोग का। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। पर्यवेक्षण एक प्रकार से शैक्षणिक विकास का मूल आधार है, कोठारी आयोग का कथन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। भारत में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का प्रारंभ हुआ। तो भारत में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का प्रारंभ कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है भारत में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ तो चेन्नई में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। भारत में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था इसका प्रयोग? चेन्नई में। नेक्स्ट है भारत में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का विकास हुआ। तो भारत में निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का विकास 1854 उड़ के प्रतिवेदन के पश्चात हुआ। ठीक है, 1854 उड़ के प्रतिवेदन के पश्चात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निरीक्षण में प्रयोग करना चाहिए। तो निरीक्षण में नई विधियों, ठीक है, प्रविधियों, यहाँ पर विधियों लिख उठा है, प्रविधियों, नई विधियों प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी निरीक्षण में नई विधियों प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। निरीक्षण वर्ष में करना चाहिए। तो निरीक्षण जो है वो त्रैमासिक होना चाहिए। ठीक है, निरीक्षण वर्ष में कितनी बार होना चाहिए? तो 3 बार की 4 बार, तो आप 3 से भाग कर दीजिए, मीन्स 4 बार कम से कम, तो त्रैमासिक। नेक्स्ट है निरीक्षण का दृष्टिकोण होना चाहिए आशावादी एवं वस्तुनिष्ठ। निरीक्षण का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? आशावादी एवं वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट है विद्यालय का सर्वांगीण विकास होता है। तो विद्यालय का सर्वांगीण विकास निरीक्षण द्वारा होता है। नेक्स्ट है विद्यालय की दोषों की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। विद्यालय की दोषों की ओर ध्यान आकृष्ट करता है कौन? सुधारात्मक निरीक्षण। ठीक है, सुधारात्मक निरीक्षण। अगला है निरीक्षण आवश्यक है तो विद्यालय का सफल संचालन के लिए। ठीक है, विद्यालय का अगर सफल संचालन करना है तो निरीक्षण अति आवश्यक। नेक्स्ट है निरीक्षण अपनी रिपोर्ट देता है। तो निरीक्षण अपनी रिपोर्ट किसको देता है? शिक्षा विभाग को। ठीक है, निरीक्षण अपनी रिपोर्ट किसको देता है? शिक्षा विभाग को। तो आज की टॉपिक यही समाप्त होती है और नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। और CDP की अब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4 या 5 कह दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं है, समाप्त हो जाएगी इतने में। ठीक है, और संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक, CDP के प्लेलिस्ट की लिंक भी हम दे देते हैं, वहाँ से डायरेक्टली सभी वीडियो देख सकते हैं जो भी 24-25 वीडियो हैं। और भाई एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें जो इससे रिलेटेड हों। और चैनल पर यदि नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।